वही बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खोपूपाड़ा के बीच आज रात टकराने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आज रविवार को आईएमडी ने इसके अपडेट को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में आईएमडी ने कहा है कि साइक्लोन रेमल का पात उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर सागर द्वीप समूह के दक्षिण पूर्व में लगभग 290 किलोमीटर, खोपूपाड़ा के दक्षिण पूर्व में 300 किलोमीटर और कैनिंग के दक्षिण पूर्व में 320 किलोमीटर पर है। वही मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। वही आईएमडी के अनुसार चक्रवात रेमल अगले कुछ घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और 26 मई को आधी रात के आसपास बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों के बीच में एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में गुजर जाएगा।